से वो नहीं सकता। 49.1 के माइलेज दे रहा है भाई। MR8E9 विश्व में जिसने एक्सीडेंट किया है, ये ब्रेक पैड को लगाया है, तब से मेरा चेका जाम जाम लग रहा था। हेलो गाइस, बड़े का आशीर्वाद छोटे का प्यार, रहना मेरे साथ साथ। आज चल रहे हैं मेरा बाइक का 4th सर्विसिंग और हम लोग चल रहे हैं बागनान। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। गाइस मैं अभी बजलाल चक पहुँच चुका हूँ और मेरा भैया का बेटी मेरे साथ आई थी तो मैं उसे ड्रॉप कर दिया हूँ बस स्टैंड। फिर हम लोग अभी चल रहे हैं 4th सर्विसिंग करने के लिए, बाइक का 4th सर्विसिंग करने के लिए। तो अभी हूँ बजलाल चक गेट, यहाँ से हम लोग चलेंगे बागनान चलेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ संजीव दा के लिए और अभी बजा है, आप लोग भी देख लीजिए गाइज, अभी बजा है 7:24, 7:24। अभी हम लोग अभी बजलाल चक में हैं और संजीत दा के लिए वेट कर रहे हैं। और ये रहा संजीत दा, और ये रहा बाइक भैया का, ये रहा मेरा बाइक और ये रहा संजीत दा का बाइक। चलो दोनों एक कलर एक ही बाइक, अगर रास्ते पे चले ना मौज ही मौज है भाई। अभी मैं भैया का बाइक चलाऊंगा, भैया मेरा बाइक चलाएगा, अभी देखेंगे। भैया का बाइक चला रहा हूँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है, भैया का बाइक ना बहुत ही स्मूथ चल रहा है, लेकिन मेरा जो बाइक है वो थोड़ा सा जाम, मतलब कैसे ब्रेक जैसे लगा रहने से जैसा चलता है ना वैसा ही लग रहा है। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो है बाइक में। भैया ने मेरा बाइक अभी चलाया था, जो बाइक का माइलेज दिखा रहा है देखो, 4 दिखाई दे रहा है क्या, 44.95 पकड़ के चलो। गाइस हम लोग अभी चल रहे हैं बागनान में, अभी हम लोग 4th सर्विसिंग है, 4th सर्विसिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो बने रहे हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग फुल टैंक तेल करवा लिए हैं, अभी चल रहे हैं बागनान सर्विसिंग सेंटर में, चलिए चलते हैं। गाइस ये हो नहीं सकता, गाइस ये हो नहीं सकता, 49.1 के माइलेज दे रहा है भाई, 250cc इंजन विश्वम, सोच सकते हो आप लोग। गाइस ये मैं कितना, मतलब मैं ना बहुत 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 ज्यादा, मतलब इतना कम माइलेज दे रहा था ना, मैं सोच रहा था भाई कैसे इतना कम माइलेज दे सकता है भाई, गाड़ी 50 के करीब आपका माइलेज दे रहा है 250cc इंजन, सोच सकते हो भाई लोग। मौज ही मौज। गाइस कैसे ये 50 हो गया देखो। गाइस आप लोग भी देख लो, 50 का माइलेज दे रहा है गाड़ी, कैसे चलाने से 53 या 55 में चलाने से 50 का माइलेज दे रहा है। अबे क्या अंकल का ढाबा, और हमेशा यहीं पे आता हूँ तो यहीं पे खाना खाता हूँ। अपॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट सही है, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। रिकॉर्ड 49। गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बागनान शोरूम और ये है बैरा सुजुकी और हम लोग अभी व्हाट्सअप घुस रहे हैं, कुछ ऐसा व्हाट्सअप है
पेपर वर्क करते हैं, फिर मिलते हैं। अगर परमिशन दे तो यहाँ वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बना सकते। वहाँ पे भी एक भीष्टम खड़ा है, उसका भी सब कुछ खुला हुआ है। और क्या दिखाएंगे आप लोगों को, नया सर्विसिंग सेंटर में लेके आए हैं बाइक, कैसा काम होता है नहीं जानते हैं। संजीत भैया अभी आगे काम करवा के क्या है, तो संजीत भैया ने बोला कि आने के लिए यहाँ पे अच्छा काम होता है, तो भैया का बात मान के यहाँ पे आए हैं, नहीं तो मैं रुका सुजुकी के पास जाते हैं। गाइस अभी में हम लोगों का बाइक का मोबिल भी चेंज हो गया है, और अभी पीछे का एक्सल खुला है, उसको ग्रीजिंग करके फिर लगाएंगे। कुछ हालत ऐसा है, मेरा जो बाइक में ऑयल डाला गया है 300B 10W40 मोतुल का डाला गया है 40D। पहले मैं ये मोबिल डाला करता था, उसके बाद शिफ्ट हो गया हूँ, इसको मैं डाला। अभी परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करने के बाद आप लोगों को बताऊँगा कि गाड़ी में क्या डिफरेंस आया है। भाई दारोगा सुजुकी में से मैं दारोगा सुजुकी से मैं बाइक को परचेस किया था, और उसके बाद मैं जितना भी सर्विसिंग किया हूँ वहीं से किया हूँ। कभी बहुत दिक्कत आ रहा था, ब्रेक शू का दिक्कत आ रहा था, फायर का मतलब बाइक स्टार्ट देने और इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भैया संजीत भैया है, संजीत भैया का भी वीस्ट्रॉम है, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो भैया ने बोला कि तू वहाँ पे चल एक बार दिखा ले, बहुत कुछ सल्व हो जाएगा शायद। तो मैं यहाँ पे आया, तो ये जो ब्रेक पैड दिया हुआ है लगाया हुआ है, मैंने चेंज किया था, तो ये 150 का था, जिक्सर 150 का। और ये भी ये स्पार्क प्लग भी 150 का ही चिपकाया है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ये बाइक लेके लॉन्ग में निकल जाता तो इसके आगे मैं कर लिया हूँ, बट ये सोच रहा हूँ मैं निकल जाता उसके बाद क्या होता। दिखाओ भैया, वो दिखाओ फ़र्क क्या है। MR8E9 है ना मेरा कैमरा, ये दिखो। और ये भैया ये दिखाओ, ये वाला देखो, देखा चिपकाया किसका, कोई नहीं, मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को। ये लगा दो उसको, दो हाँ इसको चाहिए। ये भैया का बाइक है, जिसमें ये यूट्यूब चैनल का भैया का यूट्यूब चैनल है, ड्रॉ राइट लाइन। गाइस हम लोग अभी बैरा सुजुकी में आए हैं, जो कि तो हम लोग आए हैं, और आते हुए ये एक भीस्ट्रोम का हालत देखे हैं हम लोग, तो देख लो गाइस आप लोग, देखा ये भीस्ट्रोम है जिसने एक्सीडेंट किया है। बाइक का हालत देखो, पूरा खोल दिया है। गाइस मैंने जब से ये ब्रेक पैड को लगाया है तब से मेरा चेका जाम लग रहा था, यहाँ आके कंफर्म हो गया भाई किस लिए हो रहा था। आगे वीडियो देखो पता चल जाएगा। भाई लोग ये देखो, ये 150 का है ये, और ये 250 का है भीस्ट्रोम का ओरिजिनल वाला ये है, ठीक है। और ये जो एक जो दिया है ना, ये 150 का जो जिक्सर 150 आता है वो 150 का ब्रेक शू का, समझो यार क्या तुम लोग कैसे काम कर रहे हो। दारोगा सुजी की आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, ये आप लोग 150 जिक्सर 150 का ब्रेक पैड है ये, और मैं बोलना चाहता हूँ भैया आप लोगों को, दारोगा सुजुकी का ओनर और जो सर्विस मैनेजर है, भाई आपके पास नहीं है तो नहीं बोल दो, भाई मेरे पास नहीं है, क्यों ऐसा काम करते हो। हाँ क्यों
गाइज अभी हम लोग का बाइक सर्विसिंग हो गया है और हम लोग अभी निकल रहे हैं, और यहाँ का सर्विसिंग जितना भी स्टाफ है बहुत ही बढ़िया और शानदार काम किया है। और अभी यहाँ बैरा सुजुकी को टाटा करके हम लोग अभी चल रहे हैं घर की तरफ। थोड़ा सा खाना खाएंगे क्योंकि अभी बजा है 3:30 बजे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये सुजुकी शोरूम है बैरा सुजुकी, अलविदा कह के हम लोग अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। घर नहीं है, यहाँ पे खाना खाएंगे उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल लेंगे। आज है ईद, ईद के लिए बहुत मुस्लिम भाई लोग और बहन लोग निकले हैं रोड पे खुशियाँ मनाने के लिए। हम लोग तो अब लोग अभी आए हैं खाना खाने के लिए और होटल ही ढूंढ रहे हैं तब से। और होटल का रंग खाना बहुत ही अच्छा होगा शायद, इसलिए बोल रहा था यहाँ आने के लिए। गाइस कितने बजे हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए हैं देखिए, देखें हम लोग जस्ट अभी आए हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं। जोर उठ रहा है और पोजीशन भी तो नहीं मिल रहा है जो थोड़ा भगाएं। चलो कोलाघाट बीच में थोड़ा सा भीड़ से है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, रोड में इतना सारा बाइक चल रहा है। गाइस अभी बाइक चला के ना बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ब्रेक चेंज कर दिया और साका भी चेंज कर दिया है, उसके बाद इंजन ऑयल भी नया है, बाइक चला के बहुत आनंद हो रहा है। सर्लिंग कर रहे हैं भाई साहब और लोग, सच में यार सही है, सही है। फूल बजा ले रहे हो भैया, फूल बजा ले रहे हो। ये लोग इसी पेड़ से ही एक्सीडेंट होता है इसी लोगों के कारण, कैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं देखा। गाइस हम लोग अभी बजलाल चौक पहुंच चुके हैं और आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। हम लोगों का हलिया गेट देख लो कैसा है, बढ़िया है ना, और यहाँ हम लोग वीडियो एंड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाटा अलविदा, जय हिंद।